सैरा बस गाल बण मा रूड़ी कोटण मा योंद पीसी बीते ना म्यारा सदनी इनी दिन गैना सैरा बस गाल बण मा रूड़ी कोटण मा योंद पीसी बीते ना म्यारा सदनी आनी दिन गैना कुटी की पीस की मीन रात दिन एक काया कुटी की पीस की मीन रात दिन एक काया सौतेली बे छाई मैं ते माँ भी खेरी खाया ससुर माँ जुंदा को दिन वेनी म्यारा सदनी इनी दिन गैना मेला वेनी खोला वेनी सौजण्या कौथिक गैनी मेला वेनी खोला वेनी सौजण्या कौथिक गैना बारा मैना बोलू कैकी मैं माँ द्वी झूलिनी स्वामी जी भी मीथे बिसरी गैना म्यारा सदनी ने दिन गैना बेटियों का खुदेड़ मैना बेटियों का खुदेड़ मैना चैत पूसे ना गैना चैत पूसे ना गैना मैत्यों का सासा छाई तो ले रे बार नी दाई दगड़ा भगन मेरी मैं तू गैना म्यारा सदनी ने दिन गैना सैरा बस गाल बण मा रूड़ी कोटण मा योंद पीसी बीते ना म्यारा सदनी दिन गैना सैरा बस गाल बण मा रूड़ी कोटण मा योंद पीसी बीते ना म्यारा सदनी ने दिन गैना। नमस्कार सज्जनों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल पटवन पहाड़ी। और तो इसमें एक बहुत अच्छी सी चीज मुझे लगी कि नेगी जी का जो सबसे पहले गीत लिखा था, जो नेगी जी ने वो किन परिस्थितियों में लिखा था और उसका कैसे उसका गीत कैसे बना, तो सबसे पहले उसी के बारे में आप लोगों को बता दूं कि जब नेगी जी के पिताजी के आंख में मोतियाबिंद हो गया था तो उस टाइम पहाड़ में वो पौड़ी में रहते थे। पौड़ी में तो ऐसा कोई अस्पताल था नहीं, तो इसलिए उनको विकास नगर देहरादून जाना पड़ा, जहाँ पे एक मिशनरी अस्पताल में उनको ऑपरेशन कराने के लिए मौका मिल गया। उन दिनों एक हफ्ता के करीब लग जाता था ऑपरेशन कराने के बाद डिस्चार्ज होने के लिए। तो वहीं पर रहते हुए नेगी जी को एक बिस्तरे की भी व्यवस्था, एक चारपाई मिल गई थी किराए पे, दिन के लिए बिस्तरा मिल गया था, जो बेडिंग जिसको बोलते हैं किराए पे, और दिन में उसको फोल्डिंग करके रखना पड़ता था, छुपाना पड़ता था। तो इसी के बीच में नेगी जी के ऊपर एक जो है कवि जाग गया और उनसे एक गीत की रचना हो गई है। तो रचना उन दिनों क्या होते हैं,
प्रेरणा स्रोत थे, मतलब गीत का जो उनका इंस्पिरेशन था, प्रेरणा थी, उनकी माता जी हुआ करते थे, तो उसी के ऊपर वो गीत लिखे। फिर उसके बाद उन्होंने गीत लिखने शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर आज 50 साल हो गए हैं, अभी तक वो बिल्कुल रुके नहीं है। तो ये गीत का नाम था सहरा बस का वर्णना, तो बहुत अच्छा गीत था। और केशव बनरावी जी ने नेगी जी को रेडियो स्टेशन पर पहला गीत गाने का मौका भी दिया, जो आकाशवाणी वगैरह से उनको गाया उन्होंने। और नेगी जी का जो ये क्षेत्र की बात है, और नेगी जी को चम चम की गांव में डांडी मापी 1976 में उन्होंने फिर ये अगले वाले गीत शुरू किया, और उसके बाद आज तक उनके गीत बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये गाना है उसको उन्होंने जो गा रखा है, सारी बरसात, मतलब सारी बरसात बोन, मतलब जंगल वगैरह बोलते हैं, तो जंगल में क्या पेड़ पौधे लगाते हैं आप ये समझो, तो बोने में लगा दिए उन्होंने सारी सारा बस का जो है पेड़ पौधे उगाने में, ये जंगलों में घास वगैरह काटने में, रूढ़ी मतलब ग्रीष्म ऋतु में अनाज कूटने में, शीत ऋतु में पीसने में बिताए, मेरे दिन सदा ऐसे ही रहे। उसे जन्म लेने से लेकर अब तक ना तो मायके में अवकाश मिला और न ससुराल में, कभी की दृष्टि कदाचित माँ के संघर्षों पर गई है, ठेठ गढ़वाली के प्रयोग के बाद कहीं भी दुर्बोधता अथवा कृष्णता नहीं आने पाती, कूटने पीछने में मैंने रात दिन एक कर दिए, सौतेली माँ थी, मायके में भी कष्ट ही उठाए, ससुराल संयुक्त परिवार का बुरे दिन बुरी घड़ी में बंटवारा हो गया, भाव एकल परिवार के कष्ट शादी जीवन में है, अपेक्षित दृश्य योजना अथवा अवस्था विशेष के चित्रण में नेगी जी ने अतिशय निपुण है, पात्रों के मनोदशा सूचित करते अवस्थाओं में उनका कौशल तो देखिए, मेले हुए खोए हुए साथी ने खोथी गई, 12 महीने निज की व्यथा हार तोड़ परिश्रम करके मेरे पास 2 कपड़े तक नहीं रहे, स्वामी जी पतिदेव भी मुझे भूल से ही गए, बेटू के 1.5 महीने चैत्र पोष आए गए मायके वालों के सहारे, आज थी उन्होंने संदेशा भी नहीं भिजवाया, भगवान सखिया मेरी मायके गई, मेरे सदैव ऐसे ही दिन रहे, बोल कह की मेहनत करके लोक जीवन में नव विवाहितों के लिए पोष और चैत माह का बड़ा महत्व होता है, इन 2 महीनों में उनके मायके जाने अथवा मायके से बुलाव आने का आशा बनी रहती है। तो दोस्तों ये था नयन सिंह नेगी जी का जो सबसे पहला गीत गढ़वाली गीत उन्होंने गाया था, लिखा भी उन्होंने था, और उसके बारे में ये मैंने गा के भी सुना दिया, और उसका अर्थ मीनिंग में क्या क्या शब्दार्थ थे वो भी बता दिया है। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दें, और इसके बाद फिर ऐसे ही किसी और टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड।